तो ये बारांकीला स्टेशन, और अभी हम लोग सी लेवल पे आ गए, तो गर्मी है और हम लोग ने टैक्सी बुक कर लिया है 20,000 में। सीट तो पूरा फिक्स्ड है, रिक्लाइन का कोई सीन ही नहीं है। इतना सस्ता फ्लाइट, ऐसे तो बनता है ना सस्ते क्वालिटी के फ्लाइट से। यहाँ पे तो अजीब ही हो गया, रास्ते में सेक्स एजुकेशन चालू कर दिया है, सिखा रहे हैं कि कैसे करना है और कैसे अच्छे से करना है। उधर एक चाचा पूरा अपना डेमो लेके बैठ गए सिखाने के लिए। मतलब कोलंबिया है मान लिया, बट इतना खुल्लम खुला कि आपको क्या बताएं। इधर पीछे अपना हिंदू मंदिर, इधर पीछे अपना चर्च, और उधर सामने एजुकेशन चल रहा है उधर, और बहुत जन बैठ के सीख भी रहे उधर, बहुत जन सीख भी रहे। मज़ेदार है। चर्च का पूरा एरिया ही इसी काम के लिए यूज़ होता है। और ये क्या बताऊँ इसके बारे में, ये तो है ही पुराना, बहुत काल से चल रहा है ये धंधा। बस थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे को मन था किसी के साथ इंटरव्यू करके आप लोगों को दिखाने का, बट क्या है इंटरव्यू करो, सेम ही चीज़ है। और ये वो होटल है जहाँ पे मैंने लास्ट एक महीना वॉल्टिंग किया, और तरीके के मदद से सिर्फ रात को रिसेप्शन में बैठना पड़ता है, तो मैं इसको शूट नहीं किया, दिखाया नहीं। बाकी आज है 25 मार्च, फ्राइडे। मेदीजिन से निकलते हैं, 1 बज गए, 8 बजने में 10, 12 बजे मेरी फ्लाइट है। इसी घंटी से शुरू हो गई थी अपनी मेदीजिन की जर्नी। ठीक 1 महीने पहले यहाँ पे बस ने उतार दिया था सैंटियागो मॉल के सामने। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ बस लेने के लिए, टू गो टू माई नेक्स्ट सिटी, टू द कोस्ट, बारांकीला फॉर कार्निवल। तो नए वीडियो में स्वागत है, वेलकम टू कोलम्बिया, अच्छे का बस। तेरह 1000 यानी कि 260 रुपये बस का, और फ्लाइट बहुत ही सस्ता फ्लाइट। आज मैंने आज तक का जिंदगी का सबसे सस्ता फ्लाइट लेने वाला हूँ। हाँ, एयरपोर्ट पहुँचते आपको बताता हूँ। क्या आपको लगता है फाइनेंशियल मार्केट मुश्किल है? अगर लगता है तो मैं इस मुश्किल को दूर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मिला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ट्रेड करके अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, और वो है ऑलम ट्रेड। ऑलम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे मिलता है ट्रेडिंग बेस, हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, और साथ ही साथ ट्रेडिंग सिग्नल प्रोफेशनल्स। ये सब फ्री है, और इस ऐप को यूज करके हजारों इंडियंस ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूएसडीटी में ट्रेड करके कैसे ट्रेडिंग करना ईजी है। तो मैं 90% रिटर्न के साथ एक एसेट चूज कर रहा हूँ, और उसमें 200 यूएसडीटी का ट्रेड करना रहा हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि चार्ट ऊपर जाए, और 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। वाओ, मेरे बैलेंस में 180 यूएसडीटी इंक्रीज हो गया है हमेशा की तरह। अब हर कोई मेरी तरह ट्रेड कर सकता है, और हमने आपके लिए एक स्पेशल बोनस तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटर्नल डेमो अकाउंट में 10,000 की जगह 1 लाख की धनराशि, जहाँ पे आप ट्रेन और ट्रेड कर सकते हैं नॉन स्टॉप। यूज माई प्रोमो कोड RAJA1, अपने रिप्लेसमेंट पे 30% एक्स्ट्रा पाइए। ये ऑफर एक्सक्लूसिवली सिर्फ 14 दिन के लिए, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ट्रेड कीजिए और विन कीजिए। तो ये वीवा एयरलाइन है, यहाँ से मैंने टिकट लिया था और इसके लिए अलग से मुझे देने पड़े साथ में $10 इसके लिए, यानी कि मेरा पीछे वाला बैकपैक के लिए, और ये वाला मुफ्त है, इसमें मेरा सामने वाला बैकपैक आ जाएगा क्योंकि ये मेरा नया बैकपैक है। उसका चेन कट गया था तो फिर मैं डिकैथलॉन गया और डिकैथलॉन में जाके बोला मेरा चेन कट गया है, तो उन्होंने फ्री में ये वाला बैकपैक चेंज कर दिया। आपको याद होगा यहाँ पे एक इंडिया का फ्लैग हुआ करता था, अभी वो चला गया। बाकी इस टिकट का मेरे को पड़ा ये $10 एक्स्ट्रा बैग का, और $10 अगर छोड़ दूँ तो फ्लाइट का टिकट है सिर्फ $18। $18 कितना हो गया? $18 हो गया अपना 1400 रुपये से भी कम। 1400 रुपये में मैं लेने वाला हूँ 1.25 घंटे की फ़्लाइट फ्रॉम मेडिजिन टू बैरंकिला। हम लोग जा रहे हैं बैरंकिला। बैरंकिला एक ऐसा शहर है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। मेरे को बस कोलंबिया में मेडिजिन पता था, करताना पता था, कोस्ट में काली पता था और बोगोता पता था। बैरंकिला में हो रहा है कार्निवल। चलता हूँ, बताता हूँ। कॉफ़ी 2500 में, माने 250 रुपये। 50 रुपये में कभी एयरपोर्ट पे कॉफ़ी खाया है, वो भी इंटरनेशनल वाला। वैसे ये वाला कॉफ़ी बाहर कोई भी दुकान में आपको 16 रुपये में मिल जाएगा, 16 या फिर 20 रुपये मिल जाएगा। तो बेसिक सिक्योरिटी चेक था, सिक्योरिटी चेक हो गया और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बैग में उन्होंने टैग लगा दिया, सिंपल सी बात है। अभी बज गए 9:30 और फ्लाइट है 12 बजे, तो अपने पास बहुत टाइम है। सब कुछ बहुत सस्ता है यार कोलंबिया में। अभी मैंने पिछले 1 महीने में मैंने वॉलंटियरिंग किया और 1 महीने में मेरा बीच में गौतम पे गया था, सब करके मेरा टोटल खर्चा आया 16,000 का। टोटल मैंने 16,000 खर्चा किया, खाया पिया, पार्टी किया, मस्त किया। पार्टी थोड़ा कम किया, बहुत बार टैक्सी लिया है क्योंकि टैक्सी बहुत सस्ते हैं। तो कोलंबिया लंबा रह सकते हो आप, सस्ता है। 1 महीने में सिर्फ 16,000 खर्चा हुआ। बारह बज के 3 मिनट वाली है 6 नंबर गेट, तो 6 नंबर गेट की तरफ चलते हैं। अपना सीट। Welcome on board your Viva flight. We look forward to taking you to your destination. मिडिल सीट मिला है। मतलब इस लैटिन अमेरिकन ट्रिप में मुझे पतले सीट्स दिख रहे हैं। ये तो हल्की हो गया है, नया टाइप का सीट दिखा है। ये देखो सीट के यहाँ पे पूरा खोखला है, मतलब सिर्फ अपना जो रेलवे स्टेशन में बैठने वाली सीट होता है ना, उसमें थोड़ा बस फोम लगा दिया है। और टेबल भी देखो कितना छोटा। इसमें अपना हाथ भी नहीं आ रहा है, कप होल्डर तो दूर की बात, और बैग भी नहीं दिया है यहाँ पे। बस एक रबड़ का कुछ दे दिया है सेफ्टी मैनुअल के लिए, रखने के लिए कुछ जगह नहीं है। एक चीज़ अच्छा है कि स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, बट हैंडल भी छोटा। हैंडल दिया यही काफ़ी है। और सीट तो पूरा फिक्स्ड है, रिक्लाइन का कोई सीन ही नहीं है। इतना सस्ता फ्लाइट, ऐसे तो बनता है ना सस्ते क्वालिटी के फ्लाइट से। इतना सस्ता मैंने नहीं सोचा था। चलो ठीक है, अलग एक्सपीरियंस है। 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, क्या करना भी क्या है। Oxygen masks will drop from the overhead compartment. Remove your face shield and mask before putting the oxygen mask on, if applicable. Take the closest oxygen mask and pull it towards you to start the oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Secure the elastic band around your head. तो भाई पहुंच गए। 1:20 में पूरे टाइम फ्लाइट में लाइट्स ऑफ थी। बहुत ही लो कॉस्ट है, इतना लो कॉस्ट है कि लोग लाइट भी नहीं जलाते, लाइट का पैसा भी बचा देते हैं। ये भी अलग एक्सपीरियंस हो गया। हम लोग जिस डायरेक्शन से निकले अभी सब एक ही एरिया में थे, मतलब ये पहली बार मेरी ज़िंदगी में हो रहा है कि जो लोग फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं और जो लोग फ्लाइट छोड़ के जा रहे हैं दोनों सेम एरिया में हैं। जनरली पास पास एरिया में रहते हैं पर दो अलग सिक्योरिटी जोन्स रहते हैं, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी चेक करके निकले हैं तो पता नहीं क्या सिस्टम रहता है, बट अभी हम दोनों सेम एरिया में ही हैं। ये सब लोग अभी फ़्लाइट लेने वाले हैं और हम लोग उनके साथ ही पास कर रहे हैं। ये जनरली होता नहीं है, जनरली कि आपको श्योर 100% कभी नहीं हुआ होगा आपके साथ। तो ये बारांकिला स्टेशन, और अभी हम लोग सी लेवल पे आ गए तो गर्मी है और हम लोग ने टैक्सी बुक कर लिया है 20,000 में। 20,000 में अभी टैक्सी वाले से बात हो रहा है, भाई कहाँ हो, क्या स्पेनिश में लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अपरागे कहाँ है उनका ग्रे कलर का गाड़ी? ¿Qué parte de dónde viene? De Bogotá. Ah, Medellín, pero soy de la India. Ah, ya. ¿Perus? हाँ। टैक्सी ले लिया है 20,000 में, इन ड्राइवर यूज़ करके। इन ड्राइवर भाई बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, यूज़ करो। ऊबर में दिखा रहा था 35,000, दूसरे सब एप्लीकेशन में दिखा रहा था 25-30,000 बेस्ट। इनको यहाँ पे मैंने बिड डाला 15,000 का, तो इनका बिड आ गया 19,500 का। तो आप वेट कर सकते हो, बेट को और भी थोड़ा ठीक कर सकते हो, आप ट्राई करना। पर मेरे को पता नहीं इंडिया में काम करता है कि नहीं, बट ये एप्लीकेशन कमाल का है पूरे लैटिन अमेरिका में, और मैंने सुना है तो यूरोप में भी चलता है। ये एप्लीकेशन कमाल का है। अभी बारांकिला में स्वागत है, और गर्मी है इसलिए गाड़ी में ए सी चल रहा है। बहुत दिन, मतलब पूरे मेडिजिन में कभी गाड़ी में ए सी नहीं चला, पर आज चल रहा है। Mucho tráfico por la fiesta? Hoy no. Pero me escuché que toda semana hay fiesta. Pero empiezan, o sea, realmente empezaron hoy. Hoy. Pero, o sea, más tranquilo este año. Pero mañana es el día. No puedo nada. Oficial, digamos. Oficial, así, okay. de la fiesta. Uh-huh. Mañana sí, desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Try to open that. No. तो ये मेरे होस्ट का घर है और मैं यहाँ पे आ गया था कल, और अभी यहाँ पे हो रहा है कार्निवल। और कार्निवल में सारे हॉस्टल, सारे होटल सब बुक थे, कुछ नहीं है booking.com में। 15 दिन पहले से मैं चेक कर रहा था, फिर मैंने काउचसर्फिंग में जितने जन है सबको मैसेज डाल दिया, तो उनमें से 2 जन ने एक्सेप्ट किया है और 2 जन में से 1 जन के घर में भी आया हूँ। और हर कोई अभी काउचसर्फिंग में भी 1 जन नहीं, बहुत जन को होस्ट कर रहे हैं। अभी बच गए अगले दिन के दोपहर के 2। मैं यहाँ पे कल रात को 2 बजे आ गया था, सो के उकर ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी जा रहे हैं कार्निवल दिखाने आप लोगों को। तो अभी हम लोग सभी जा रहे हैं पैरेड के पास, पर पता नहीं कहाँ, टिकट नहीं है किसी के पास, देखते क्या होता है। ये मेरी होस्ट है, इसको अच्छे से अंग्रेजी आती है। ये दूसरा सर्फर है और वो सामने होस्ट की कजिन। तो देखो भाई, आते ना आते ही दिख गया ग्रुप। तो कार्निवल सिर्फ ब्राज़ील में नहीं होता है, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज में होता है, बट ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा जहाँ पे होता है वो है ये कोलंबिया में बारांकिला। कोलंबिया में हर शहर में नहीं होता है, सिर्फ बारांकिला में होता है। और ये दिख गया। सफ़ेद रंग का पाउडर यूज़ करते हैं और सब पे छिड़ा रहे ये, अपने पे छिड़ा दिया ऑलरेडी, मेरे बियर पे खराब कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीपल कलर से इंडिया जैसा सिर्फ एक ही कलर है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और पाएं 1 लाख अपने डेमो अकाउंट में, और मेरा कोड राजा वन यूज़ कीजिए तो पाएंगे आप 30% एक्स्ट्रा ऑन योर डिपॉजिट। सो ट्रेड कीजिए और पैसे कमाइए।